हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, नंबर रिलेटेड टेस्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें नंबर्स की एक रेंज दी होती है और उस रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें से हमें जो है एक साथ में कंडीशन लगा दी जाती है उन नंबर्स के ऊपर, और फिर जो है वो हमें उसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है, और उसके बाद जो हमें उन नंबर्स को अरेंज करना होता है कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद जो है वो उन नंबर्स का हमें किसी भी हमें कोई भी प्लेस जो है उस नंबर का हमें ढूंढना होता है। इस बात को जो है हम इस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 62 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर्स विल बी एट 9th and 13th प्लेसेस फ्रॉम द टॉप। 1 से 62 तक की सभी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं उनको घटते हुए क्रम में रखा जाए तो कौन सी संख्या ऊपर से 9वें तथा 13वें स्थान पर आएंगी। तो यहाँ पे हमें रेंज ऑफ नंबर्स दे रखा है फ्रॉम 1 to 62। तो यहाँ पे अगर लिखा है फ्रॉम 1 to 62, इसका मतलब है यहाँ पे 1 और 62 दोनों इंक्लूडेड हैं, इस रेंज में आते हैं। हमें 1 को भी लेना है और 62 को भी कंसीडर करना है, ठीक है। ये तो हमारी होगी रेंज। उसके बाद जो कंडीशन दी है, विच आर डिविजिबल, या जो 4 से विभाज्य हैं, विच आर डिविजिबल बाय 4, तो हमें इस रेंज में उन नंबर्स को कंसीडर करना है जो कि 4 के टेबल में आते हैं, जैसे 4 1 4 4 2 8, ठीक है। तो जो 4 के टेबल पे आते हैं हमें सिर्फ वही नंबर जो हैं इस रेंज में जो हैं वो कंसीडर करने हैं। आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको घटते हुए क्रम में रखा जाए। तो ये सारे नंबर्स तो अब हमें मालूम लग गया कि 4 के टेबल पे जो नंबर आते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होगा उनको अरेंज करने का, वो है घटता हुआ क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, इस तरीके से चलेंगे। और हमें आगे क्वेश्चन में पूछा है, देन अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, देन विच नंबर्स विल बी एट 9th and 13th प्लेसेस फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे हमें लिखा है, यहाँ पे हमें टॉप डाउन अप्रोच लगानी है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब सबसे पहले टॉप पे जो है हमें डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हमें टॉप पे लिखना है, उसके बाद नीचे छोटा, उससे नीचे छोटा, तो डाउन की तरफ जाते हुए हमें छोटे छोटे, उससे छोटे से छोटा नंबर हमें लिखते जाना है। तो इस तरीके से हमें बताना है कि टॉप से अगर हम चलें तो 9th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा और 13th प्लेस पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमें घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम 62 को कंसीडर करेंगे जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, 61 भी नहीं होता है। अब हमारा 60 जो है वो 15 4 60 होता है, तो हमारा 60 जो है वो डिवाइड होता है। 60 के पहले जो है हमारा 56 आएगा। फिर इस तरीके से हम जो है वो नंबर्स लेते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें हमें 2 नंबर्स दिए हैं, 28 and 12, बी 32 and 20, सी 28 and 16, डी 36 and 24। और हमें साथ में इस क्वेश्चन में ये भी देखना है कि सबसे पहले कौन सा नंबर दिया, 9th प्लेस वाला और फिर 13th वाला, तो हमें उसी ऑर्डर में ये लिखना है। तो अब हम इसमें जो नंबर्स लिख दिए, तो हमने ये टॉप डाउन अप्रोच जो है ये लगाई हुई है, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉप पे नंबर आएगा वो होगा 60, फिर 56, फिर 52, 48, 44, 40, ऐसे करते करते हमने जो है वो सारे नंबर्स अरेंज कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है 9th जो प्लेस पूछा है, तो फर्स्ट पे 60 आ गया, सेकंड एक मिनट, तो हमारा ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड 9th। तो हमारा जो 9th प्लेस पे जो नंबर आता है वो है हमारा 28। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 28 जो है 9th प्लेस पे, तो हमारा ये ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन हमारा बी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब हमें 13th प्लेस पे देखना है, तो ये 9th पे था और ये 10 11 12 एंड 13। तो 13 पे जो है हमारा है 12 है नंबर, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है वो नंबर्स को अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर्स को अरेंज करते हुए और कंडीशन को, और वो डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, इन्हीं चीज़ों पे हमें मेनली फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर टू, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 4 to 57 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द नंबर्स वुड बी एट 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। यदि 4 से 57 तक की सारी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो निम्न में से कौन सी संख्या बाएं से 7वें स्थान पर है। तो यहाँ पे जो हमें रेंज दे रखी है वो है हमारी 4 से 57 तक, ठीक है, ये सारे नंबर हैं। और कंडीशन दे रखी है कि विच आर डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से विभाज्य हैं। यहाँ पे भी हमें 4 का टेबल ही लेना है। और साथ में दिया है उन सभी नंबर्स को हमने अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है, तो हमें बाएं से 7वें स्थान पर, तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टली जो है इसको हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमारा लेफ्ट पे जो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे देखते कि 57 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं आता है, हमारा आता है 56 जो है वो 4 के टेबल पे आता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 56 52 48 44 40 36 32 28। अभी मैंने पूरे नंबर नहीं लिखे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारा जो हमारे पास अगर हमें अपना टाइम बचाना है अपने इन क्वेश्चंस में, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 28 ही है, तो मैंने वहीं तक अरेंज किए हैं 36 32 28 एंड 44। ये 4 नंबर्स जो हैं हमारे ऑप्शंस में है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 28 तक ही नंबर्स लिए हुए हैं, बाकी आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तो हमारा 7th प्लेस पे जो है वो क्या आता है, हमारा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। तो हमारा जो 7th नंबर है वो है हमारा 32। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाता है 32, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 8 to 93 विच आर डिविजिबल बाई 8 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर वुड बी एट 7th प्लेस फ्रॉम द टॉप। यदि 8 से 93 तक की सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ऊपर से 7वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे भी हमारी टॉप डाउन अप्रोच लगी है, हमें वर्टिकली ही नंबर अरेंज करने हैं और वो भी अवरोही क्रम में करने हैं, तो सबसे ऊपर जो नंबर है वो हमारा जो है वो सबसे बड़ा नंबर आएगा। और साथ में कंडीशन ये है कि ये वही नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 8 होंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 8 का टेबल देखना है। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है इस रेंज में वो है 93, जो कि 8 के टेबल पर नहीं आता, 92 भी नहीं आता, 90 भी नहीं आता, 89 भी नहीं आता, अब 88, 11 8 88। तो हमें जो नंबर है वो हमें 88 से हम जो है इसको शुरू करेंगे, सबसे टॉप पे हमारा नंबर जो आएगा वो आएगा 88, उसके बाद 80 72 64 56 48 एंड 40। यहाँ पे भी मैंने वही देखा है कि ऑप्शन जो है हमारा 40 जो है वो सबसे कम नंबर है ऑप्शंस में, 48 40 56 एंड 72। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो हमारे इस रेंज में हमने अभी लिख लिए हैं और जो सबसे कम नंबर है वो हमने लिख लिया है। अब टॉप से लिखा है तो 7th प्लेस पे जो है वो नंबर आएगा हमारा, वो हम चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर तो ये रहा, 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। तो 7th नंबर जो है हमारा वो है 40। तो ये बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चंस हैं और ये पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमारे जो HPSSB के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो है HPSSB कंडक्ट कराता है, उनमें बहुत सारे डिफरेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा जूनियर प्रोग्रामर में आ गया, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी होते हैं, मैंने कुछ ही एग्ज़ाम्स इसमें लिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्ज़ाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ फ्रॉम 1 to 28 ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच ऑफ द नंबर विल बी एट 6th प्लेस फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे भी हमारी टॉप डाउन अप्रोच लगी है, रेंज जो है वो इसमें दे दी है 1 to 28 और कंडीशन है डिविजिबल बाय 3 के टेबल वाले नंबर्स हमें लिखने हैं और अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे यही है अरेंज्ड इन डिसेंडिंग, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई तो आपका आंसर जो है वो राइट आंसर से डिफरेंट आएगा और वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो घटते क्रम में व्यवस्थित करने हैं, तो हमें सबसे पहले टॉप पे जो है वो सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो चलिए हमारा 28 जो है वो नहीं आता है टेबल पे और 27 जो है वो 3 के टेबल पे हमारा आ जाता है, तो हम 27 से यहाँ पे शुरू करेंगे, 27 24 21 18 15 एंड 12। तो यहाँ पे भी मैंने सारे नंबर्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ वही नंबर्स लिखे हैं, सबसे जो छोटा है वो 12 है
और यहाँ पे हमें बोला टॉप से हमारा जो है वो 16th नंबर आना चाहिए, सॉरी 16th नहीं, 6th प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड 6th प्लेस। तो हमारा 6th प्लेस पे जो नंबर है वो है हमारा 12। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए इसका आंसर हो जाता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते चलते हैं हम। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 to 80 विच आर डिविजिबल बाय 5 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच ऑफ द नंबर्स विल ऑक्यूपाई 11th प्लेस फ्रॉम द टॉप। यदि 5 से 80 तक की सभी संख्या 5 से विभाज्य हैं, तो हमारा जो रेंज है यहाँ पे वो दे दिया है 5 से 80, 5 to 80। और कंडीशन है कि हमें 5 के टेबल वाले नंबर्स उठाने हैं और साथ में हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और टॉप डाउन अप्रोच ही यहाँ पे लगानी है। तो टॉप पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 80, क्योंकि 5 to 80 है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ फ्रॉम 5 to 80 ये है, तो हमें याद रखना है कि 80 नंबर जो है वो हमारा इंक्लूडेड होता है और 5 भी इंक्लूडेड होता है। तो जब हमें टॉप से लिखना है तो हमें 80 से हम इसको शुरू करेंगे। तो जब हमने इसको 80 से शुरू किया, तो 80 75 से लेके 70 65 ऐसे करते करते यहाँ पे मैंने 30 तक लिखा है। वैसे यहाँ पे आप 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो इसमें 11th प्लेस जो है टॉप से देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट प्लेस है वो है 81। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड लास्ट वन 11th। तो हमारा 11th जो नंबर है उस पे वो जो है हमारा आ जाता है, हमारा जो 11th है वो आ जाता है हमारा 30। तो 30 जो है वो इसमें हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। तो ये इसी तरीके से हमें जो है वो बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो हम थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 26 विच आर डिविजिबल बाय 3 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर विल बी एट 4th प्लेस फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे हमें जो है वो वर्टिकली नहीं, हमें हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट वाली अप्रोच लगानी है। तो इसमें हमें क्या लिखा है, रेंज दी है 1 से 26 तक और कंडीशन नंबर्स हमें वो वाले लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हमें तो यहाँ पे जो है हमें 4th प्लेस फ्रॉम द राइट लेना है। तो हम राइट से लेना है, तो हम पहले इसको लेफ्ट से मतलब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर हमें लेंगे, तो फ्रॉम 1 से 1 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 ही जो है जो सबसे पहले। तो हम इसमें जो है 3 से हम नंबर्स अरेंज करेंगे, तो ये आ जाएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24। तो राइट से हमें 4th प्लेस पर नंबर बोला है, तो 24 हमने लिया है क्योंकि हमें राइट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट से हमें करना है। तो सबसे राइट में नंबर जो है वो 24 आएगा, क्योंकि उसके बाद 25 भी टेबल पे नहीं आता और 26 पे भी नहीं आता, और 26 के बाद तो हमारी रेंज ही ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट नंबर जो हमारा राइट तक जाएगा वो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पे हमें 4th लेना है राइट से, तो हम लेते हैं यहाँ पे 4th नंबर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा 4th नंबर जो है वो 15 आ जाता है और हम इसमें जो है 15 को टिक कर देते हैं, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 4 to 71 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर विल बी एट 8th प्लेस फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे हमें 4 से डिविजिबल वाले, 4 से 4 के टेबल वाले नंबर्स लेने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो हमें सबसे ऊपर जो है 71 वाली से शुरू करना है नंबर हमें। तो 4 के टेबल पे 71 नहीं आता, 70 भी नहीं आता है और 69 भी नहीं आता है। अब आता है हमारा यहाँ पे नंबर 68। तो जो 68 से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉप पे नंबर आएगा 68, 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40। तो यहाँ पे हम जो है वो मैंने 40 तक ही लिए नंबर। तो टॉप से हमारा जो है हमें 8th प्लेस पे जो है हमें नंबर देखना है। टॉप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th। तो 8th नंबर जो है हमारा 40 आ जाता है। आप यहाँ पे और भी नीचे तक नंबर्स लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको डिटेल में ही लिखना है।
लेकिन अगर आप क्लियर हैं कंडीशन को लेके और नंबर्स को लेके और टेबल को लेके, अगर आप क्लियर हैं तो आप जो है वह काउंटिंग करके भी लिख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो आप पहुँचते पहुँचते 40 तक पहुँच जाएंगे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपका 8th जो टॉप से 8th प्लेस पर जो नंबर है वो आ जाएगा हमारा 40। तो ठीक है, इस तरह से अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 7 to 51 विच आर डिविजिबल बाई 7 आर रिमूव्ड, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी लेफ्ट। यदि 7 से 51 तक की सभी 7 से भाज्य संख्याएं निकाल ली जाएं तब कुल कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। अब हमें जो है वो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हमारे रेंज में नंबर्स कितने हैं। ये जो है वो इस ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें फ्रॉम 7 to 51 हमें नंबर्स जो हैं वो चेक करने की कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखें हम 7 to 51 जो है रेंज में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमें जो है 7 भी इंक्लूड करना है और 51 भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे एक मेथड है जो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको उसमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसे तो यहाँ पे हम जो देख लेते हैं कि 51 जो है हमारा लास्ट नंबर है, उसमें से हम 7 जो है नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 44। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें 1 क्यों ऐड करते हैं। तो इसमें हम 1 क्यों ऐड करते हैं, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर मान लेते हैं हम एक मिनट, जैसे हम यहाँ पे अगर मान लें कि हमारा जो 2 से लेके अगर हमें दे दिया जाए कि हमारा जो 2 से लेके अगर हमें 5 तक नंबर्स लिखने हैं तो ये आ हाँ जाता है हमारा 2, 3, 4 and 5। लेकिन अगर हमें देख रहे हैं हम तो यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर हमें लिख दिया जाए कि 2 से 5 तक हमारे कितने नंबर है, तो हम तो अगर माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस अगर हम करेंगे, 5 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो वो आ जाता है हमारा 3। तो यहाँ पे क्या हमारे इस रेंज में 3 नंबर्स होते हैं? नहीं, 5, 4 और 3। हम सिर्फ इन्हीं 3 नंबर्स को काउंट करते हैं, लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है ये भी हम फ्रॉम लगा देते हैं जब इसके आगे, तो हमारा 2 जो है वो भी इंक्लूड होता है। इसी को इंक्लूड करने के लिए हम साथ में +1 कर देते हैं और इस रेंज के टोटल नंबर्स हो जाते हैं हमारे 4। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो +1 लगाते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझ गए हैं इस चीज़ को। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो हमारे इस तरीके से यहाँ पे 44 नंबर तो वैसे हो गए, लेकिन 7 को इंक्लूड करने के लिए, 7 जो नंबर है हमारा उसको इंक्लूड करने के लिए हमें +1 करना पड़ता है। तो हमारे जो टोटल जो नंबर हो गए वो हो गए हमारे 45। तो इस रेंज में हमारे 45 मार्क्स आ गए, 45 नंबर्स आ गए। तो आगे बोला है विच आर डिविजिबल बाय 7 आर रिमूव्ड। अब जो 7 की टेबल में आते हैं इस नंबर 7 1 7 7 2 14 7 3 21 28 35 42 and 49 नंबर जो लास्ट है उसके बाद हमारा 50 भी 7 की टेबल में नहीं आता और 51 भी नहीं आता। तो ये हमारे कितने नंबर हो गए जो इनको रिमूव किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 and 7। तो हमारे जो हैं टोटल 45 मार्क्स 45 नंबर्स हैं, और 45 में से हमने ये वाले जो 7 नंबर हैं ये अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 38, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो ठीक है, ये एक अलग तरह का अलग टाइप का क्वेश्चन था, इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो मेन ध्यान में फोकस रखने वाली चीज़ है वो ये है 44 +1। ये +1 से जो है वो आपका देखिए ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 41 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द नंबर्स वुड बी एट 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें जो है वो 1 से 41 की रेंज दे रखी है, कंडीशन है कि 4 के टेबल वाले नंबर होने चाहिए और ऑर्डर डिसेंडिंग है, और हमें लेफ़्ट वाली जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल अप्रोच जो है लेफ़्ट टू राइट हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम 41 से शुरू करेंगे, तो 41 तो 4 के टेबल पर नहीं आता, तो हम यहाँ पर 40 से शुरू करते हुए चलेंगे। तो अगर हम 40 से चल रहे हैं तो 40 36 32 28 20
फोर, 20, 16, 12 मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो है प्लेस पूछा है, सेवन्थ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। अब हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट से सेवन्थ प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस आ गया, ये सेकेंड आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो सेवन्थ पे जो है हमारा आ जाता है 16, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाता है। तो ये देखिए, अब आप ये क्वेश्चन हैं तो सिंपल से, लेकिन ये देखिए हमारे कितने ही सारे एग्ज़ाम्स में हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हम जो है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। इफ़ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 73 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द नंबर्स विल ऑक्यूपाई 9th एंड 7th प्लेस। हमें यहाँ पे रेंज दे रखी है 1 to 73 और नंबर की कंडीशन दे रखी है डिविजिबल बाय 7 और हमें उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यहाँ पे हमें अप्रोच कोई भी नहीं बताई है कि विच ऑफ़ द नंबर्स है, तो हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप, सॉरी लेफ़्ट टू राइट वाली कोई भी हम जो है वो लगा सकते हैं। तो हमें जो है वो सबसे पहले नंबर्स हमें देखना है 70 डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 73 तो 7 के टेबल पे नहीं आता, नंबर आता है हमारा 70। तो हमें जो है इसमें 70 से हमें इसको अरेंज करके चलेंगे। तो 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14 एंड 7। तो हमें जो है वो पूछा गया है, हमें सबसे पहले 9th प्लेस पे कौन सा आएगा और फिर 7th प्लेस पे। तो हमें सबसे पहले 9th प्लेस पे चेक करना है। तो ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन। तो 7 पे जो है हमारा नंबर आ जाता है 20। सॉरी, हमें 7th प्लेस नहीं लेना है, हमें लेना है सबसे पहले 9th प्लेस पे। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारा 9th प्लेस पे जो आता है 14। तो हमारा जो है ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो जाता है। अब आ जाता है 14 और उसके बाद बोला है 7th प्लेस पे कौन सा आ जाता है। तो ये तो हमारा था 9th प्लेस पे, ये था 8th प्लेस पे और ये था हमारा 7th प्लेस पे। तो ये नंबर आ गया हमारा 28। तो ये जो है हमारा आंसर जो है 14 और 28 जो है इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, ताकि आप 7th और 9th अगर आप करते तो आप 28 एंड 14 कर देते, या फिर 28 एंड 14 लगा देते तो भी आपका गलत हो जाता। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शंस देके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज के हमारे ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। और इस PDF में आगे आपको मैंने एक प्रैक्टिस शीट में आपको ये 3 क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जो है वो जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे, इसकी आप PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किट्टू के फंडे के नाम से चैनल है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।